हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिला क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर राधा यादव के बारे में। राधा यादव जौनपुर जिले के अजोसी गांव की रहने वाली हैं। उनका जन्म 21 अप्रैल 2000 को हुआ है। राधा न सिर्फ बॉलर हैं बल्कि अच्छी बल्लेबाजी भी करती हैं। राधा के पिता ओम प्रकाश चंद यादव मुंबई में डेयरी उद्योग से जुड़े हैं। राधा के पिता ओम प्रकाश बताते हैं कि मुझे बेटी को क्रिकेट खिलाने से ज़्यादा उसके लिए सामान उपलब्ध कराना मुश्किल था और कोच की फीस देना था, जिसके लिए उनके पास पैसा नहीं था। सुसेना ग्राउंड में राधा ने बहुत जल्दी मेहनत करनी शुरू कर दी थी। उनके पिता बताते हैं कि राधा को मेहनत करते देख बहुत खुशी हुई थी। राधा ने कहा कि वहां पर कोच प्रफुल्ल नायक मेरी बल्लेबाजी से बहुत प्रभावित हुए थे। कोच मेरे पिता के पास आए और मुझे लेदर की गेंद से क्रिकेट खेलने के लिए कहा। इसके बाद कोच ने राधा का सारा खर्चा उठाया। यह जानकर हैरानी होगी कि बचपन में राधा को पता नहीं था कि लड़कियों का अलग टीम होता है। वह लड़कों की भारतीय टीम में जगह बनाने का सपना देख रही थी। राधा को यह भी नहीं पता था कि मिताली राज कौन है। बाद में उन्हें पता चला कि लड़कियों की अलग टीम होती है। राधा ने बताया कि उनका सपना नीली जर्सी पहनकर भारत के लिए खेलना था, जो अब पूरा हो गया। वर्तमान में चल रहे T20 वर्ल्ड कप में राधा अपने गेंदबाजी को लेकर चर्चे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।